So what's up guys? So guys, in this video I'm going to tell you how you can delete all Facebook watch history at a time. So process Android and as well as iPhone के लिए same ही है, कोई भी changes नहीं है. Simple सा rules आपको follow करना है, जो भी मैं दिखाऊंगा उसको step by step आपको follow करना है. So let's get started. तो गाइस, सबसे पहले तो आपको आपके फेसबुक जो है वो अपडेट कर लेना पड़ेगा. ठीक है, जब भी आप अपडेट कर लेंगे उसके बाद आपको आना पड़ेगा थ्री डॉट में. तो जब भी आप थ्री डॉट में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सेम स्क्रीन में जनरेट हो जाएंगे. तो आफ्टर दैट यू क्लिक सेटिंग्स एंड प्राइवेसी. सो आफ्टर क्लिकिंग सेटिंग्स एंड प्राइवेसी देन यू गो टू सेटिंग्स एंड आफ्टर सेटिंग्स दिस पेज विल बी अपीयर इन योर मोबाइल स्क्रीन एंड नाउ यू स्क्रॉल डाउन एंड you get a option activity log. So you click this option and when you click this option, this type of window generated in your screen. And now the fact is that after clicking activity log, you click manage activity. So when you click manage activity, so this type of windows generated in your screen, and as well as you click your post, when you click your post, this type of window generated in your screen. So you click filters and आपको इधर देखना पड़ेगा कि all three option उसके बाजू में all लिखा है कि नहीं. अगर नहीं लिखा है तो आपको simple सा all option पे set करना है. तो किस तरह से set करेंगे, जिस भी option पे all लिखा नहीं होगा so उस option को click करना. click करने के साथ ही साथ इस तरीके से interface आपके सामने change हो जाएंगे. so आपको इधर all का एक option दिखाई देगा तो उसमें click कर देना. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत ही back आना पड़ेगा. उसके बाद guys आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जो all का option button है इसमें आपको click करना पड़ेगा. and guys फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऊपर में एक नोटिस आया हुआ देख सकते हैं कि नॉट ऑल ऑफ योर आइटम्स मे बी अपीयर हियर. यानी कि एक ही स्क्रीन पे आपका जो पूरा का पूरा जो आइटम है वो नहीं आया है. सो आपको पेज जो है उसको रिप्लेस करना है. जो जितने सको आप आपके पेज जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि सारा का सारा नोटिफिकेशन एक ही पेज में आने के लिए. सो आप थोड़ा रिप्लेस कर लेना. उसके बाद क्या करना, इधर फिर से ऊपर में आइए एंड ऑल जो बटन है इसमें क्लिक करिए. सो देख सकते हैं इधर 10 आइटम जो है सब पहले मैं सिलेक्ट किया था. उसके बाद में जब भी आप ऑल पे क्लिक करूंगा देख सकते हैं इधर 100 जो आइटम है वो सिलेक्ट हो गया है. उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जो डिलीट का आइकन देख रहे हैं इसमें क्लिक करना पड़ेगा. सो मूव टू ट्रस्ट. तो आइटम मूव टू ट्रस्ट विल बी डिलीटेड आफ्टर 30 डेज. सो आपको ये क्या करना पड़ेगा, आप इसको रिसाइकल बिन में जो है उसको ट्रांसफर करेंगे एंड 30 डेज के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके फोन से डिलीट हो जाएंगे. सो जब भी आप इसमें क्लिक कर देंगे, आपको मैं दिखाने वाला हूँ. सो ये मूव हो गया है एंड आपके जो आइटम है वो चला गया है. सो गाइस, इस तरीके से आप आपके जो फेसबुक वॉच हिस्ट्री है एट ए टाइम आप डिलीट कर सकते हैं. सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना. सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय, टेक केयर. सो नेक्स्ट वीडियो.